जय हिंद एवरीवन। आज क्लास में है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड पैरेलल। लास्ट क्लास में देखा था सेल को जब नंबर ऑफ सेल को जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। आज क्लास में देखेंगे जब नंबर ऑफ सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो उसके लिए दो सेल का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आप बस एक सेल में कुछ इस तरह कनेक्टेड है, दूसरा सेल है इसके जस्ट पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो दिक्कत इसका आई एम एफ हमारे पास दिया है E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, EMF E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। कुछ पॉइंट मेंशन कर देते हैं, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया यहाँ पर मान लेते हैं B1, ये पॉइंट हो गया B2, ये पॉइंट हो गया C, ठीक है। दो सेल का कॉम्बिनेशन मान के सॉल्व करेंगे, फिर एन नंबर ऑफ सेल के लिए उसी तरह प्रोसीड कर रहे हैं। इसके अलावा इक्विवेलेंट सेल का कॉम्बिनेशन देखना हो मुझे ड्रा करना है कुछ, मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि इस पूरे सेटअप को सिंगल सेल के फॉर्म में यानी कि इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। यहाँ पर पॉइंट ए हो गया, यहाँ पर पॉइंट सी हो गया, इन दोनों पॉइंट से सेम पॉइंट से पूछिए, ठीक है। चलिए मान चलते हैं कि सर्किट में करंट हमारा फ्लो हो रहा है, ठीक। हमारा करंट यहाँ से आई आया कुछ इस तरह से I1, यहाँ पे I2, TOC के बीच में आई करंट फ्लो हो रहा है, क्या कहते हैं यहाँ पे करंट हमारे पास आई आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे देखने से इतना तो कह ही सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये आई बेसिकली स्प्लिट हो रहा है I1 और I2 में। क्या मैं आई को सिंपली लिख सकता हूँ समेशन ऑफ I1 प्लस I2, यस और नो, कोई दिक्कत। अगर हम I1 और I2 की वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है, इस एक्सप्रेशन के जो आप डेटा दिया उसके फॉर्म में, तो यहाँ पे I की वैल्यू देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो वन बाय वन चीजों को देखते हैं। पहले ये ब्रांच अगर देखा जाए, ठीक है, ये ब्रांच अगर मैं देखूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V1 एंड V2 किसके लिए, इस ब्रांच के लिए। तो मैं अगर लिख सकता हूँ V1 B2 can be written as B1 minus B2 is equals to, last class में जो हमने EMF का relation देखा था क्या देखा था, simply E1 minus I R1 देखा था हमने, I1 R1 देखा था हमने, yes or no, simply E1 minus I R1। तो ऐसे simple बनाने के लिए simply B लिख दें, क्योंकि potential difference between B1 and B2 जो इसके cross होगा same इस branch के cross भी होगा, क्योंकि दोनों branch हमारे parallel में हैं, ठीक है। तो B1 B2 B हमने लिख दिया। उसी तरह यहाँ से हम I1 की अगर वैल्यू निकालें तो क्या मैं लिख सकता हूँ, I1 इज इक्वल टू इधर सबट्रैक्ट हो जाएगा तो B माइनस, या इसको इधर भेज देते हैं कि हो जाएगा E1 माइनस B डिवाइडेड बाई R1, तो दिक्कत। उसी तरह इस ब्रांच को लीजिए, ये वाला ब्रांच E2 वाले सेल का ब्रांच, ठीक है। इस केस में आ जाएगा अगेन B इज इक्वल टू अगेन वही B1 minus B2 it will be equals to E2 minus I2 R2, क्योंकि इस ब्रांच में क्या है I2 करंट फ्लो हो रहा है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R2। यहां से आप I2 फाइंड करोगे तो I2 equals to क्या आ जाएगा, सिंपली E2 minus B divided by R2। इसको इस साइड लेते हैं, इसको इस साइड लेते हैं, R2 से डिवाइड करते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। यहां पे अगर मैं देखूं जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC होगा मैं इसको लिख सकता हूं V, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वन या दिस वन बात एक ही है सेम, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ V, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट इनटू I, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से I की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, E इक्विवेलेंट माइनस V डिवाइडेड बाय R, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए I का, वहां से क्या हो जाएगा E equivalent minus V divided by R equivalent equals to I1 क्या है, ये I1 E minus V divided by R, क्या लिख सकते हैं E1 minus V divided by R1 plus I2 क्या हो जाएगा E2 minus V divided by R2, कोई दिक्कत नहीं। स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ E equivalent divided by R equivalent माइनस V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, इट कैन बी रिटन एज नाउ
T1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस B डिवाइडेड बाय R1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस B डिवाइडेड बाय R2, इसको स्प्लिट कर दिया हमने। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, इन दोनों पार्ट को एक साथ ले, क्या मैं लिख सकता हूँ T1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई R2, तो दिक्कत यहाँ से माइनस बी कॉमन ले लो, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन, यहाँ पे क्या था R1 R2 है ना, 1 अपॉन हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं लिख सकता हूँ E इक्वलेंट डिवाइडेड बाई आर इक्वलेंट माइनस बी डिवाइडेड बाई आर इक्वलेंट। बाई कंपैरिजन कुछ रिजल्ट लिख सकते हैं क्या, अगर कंपैरिजन करूँ तो क्या ई इक्वलेंट बाई आर इक्वलेंट कैन बी रिटन एज T1 अपॉन R1 प्लस T2 अपॉन R2, 1 अपॉन R इक्वलेंट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो इसके जरूरत पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हो गया, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ई इक्वलेंट डिवाइडेड बाई आर इक्वलेंट कैन बी रिटन एज T1 अपॉन R1 प्लस T2 अपॉन R2। सिंपल। नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट हुआ क्या आएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। कोई दिक्कत, जब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो इन सब का यूज होगा। ठीक है, प्रोसेस ध्यान में रखना है कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट में रिजल्ट तक कैसे आ रहे हैं। ठीक, ये तो हुआ दो सेल के लिए। तो मान लीजिए कि सर एन नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड है तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, सब ऑब्जर्वेशन इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, इसको बता दिया जाए। चलिए, तो क्या कह सकते हैं कि कुछ इस तरह से कनेक्शन होगा, ठीक है, ऐसे से जाकर मान लेते हैं ये हमारा हो गया E1 R1 E2 R2 E3 R3, पैरेलल के नंबर m मान लेते हैं, तो ये हो गया हमारा EM RM। ठीक है, यानी m नंबर ऑफ सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इनका इक्विवेलेंट अगर लिखना होगा तो कुछ इस तरह से लिखना, मतलब E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट। तो ये एक्सप्रेशन होगा क्या, इसको लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज T1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 प्लस EN अपॉन RN। बेसिक सा, ठीक है, एन टाइम्स है तो एन टाइम्स ऐड कर दिया। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन RN। ये एन नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड कनेक्शन के लिए इस तरह से हम इक्विवेलेंट और मतलब इक्विवेलेंट टीम के लिए और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए लिख सकते हैं। जय हिंद।